फ्रेंड्स ग्रीटिंग टू ऑल, वी हैव कम्प्लीटेड आवर डी पार्ट ऑल्सो एंड ई ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर पोर्ट क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर स्पॉटलाइट। ओके, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। हेमंत प्ले टेनिस एवरी इवनिंग, हेमा प्ले टेनिस यस्टरडे। ओके, एंड व्हाट इज गिवन नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू check it now. The verb play in the sentence change first change to play it in a say sentence second according to the time of an action. From the simple present tense it changes in the simple past tense. She play tennis every evening, or they play tennis every evening. Now listen to me, what is given here, what it wanted to say. Here it's mean here there is a finite and non-finite verb. Finite and non-finite verb. देखिए ध्यान से, the verb which change according to number, tense, subject, that is finite verb, and which are not change. It mean which are change according to number, tense, subject, etc. That is finite verb, and which are not changed according to the number, subject, gender, tenses, that is non-finite verb. मेन चीज़ यही यहाँ पर यही कहना चाहता है और कुछ नहीं है। अब आगे देखिए नॉन फाइनाइट के आगे देखिए नॉन फाइनाइट। द हर्मिट लाइक गार्डनिंग, आई लाइक गार्डनिंग, दे लाइक गार्डनिंग। अब यहाँ पर दो वर्ब हैं, एक तो लाइक वर्ब है और दूसरी वर्ब इसमें तीनों में गार्डनिंग आया है। दो वर्ब हैं, एक तो लाइक है और दूसरी गार्डनिंग है, ये वर्ब है। अब फर्स्ट में देखना लाइक में लाइक आया, सेकंड में लाइक आ गया, थर्ड में भी लाइक आ गया, तो ये वर्ब तो चेंज हो रही है। लाइक जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज है, बट व्हाट इज नॉट चेंज, दैट इज गार्डनिंग। गार्डनिंग तीनों में सेम है, जो गार्डनिंग है वो तीनों में सेम है, ये चेंज नहीं हो रही है, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। जो चेंज नहीं हो रही है ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखिए, टू द अबो एग्जाम्पल द गार्डनिंग एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब लाइक एंड लाइक्स, इट एक्ट लाइक अ नाउन एंड डज नॉट चेंज विद द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पे एक नाउन के रूप में कार्य करी है, यहाँ पे हालांकि वर्ब है ये नाउन के रूप में कार्य करी है, तो दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सिंपल सी बात है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो नंबर, जेंडर, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आगे देखो इसमें, स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। इसमें देखना है कि जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो हमारी जो वर्ब हैं वो हमारे फाइनाइट वर्ब हैं या नॉन फाइनाइट वर्ब। दे लिव्ड अ माइटी किंग। अब देखिए ये चेंज होने वाली है यहाँ पे, तो ये होगी फाइनाइट वर्ब। तो फर्स्ट है हमारी, ये हमारी फाइनाइट वर्ब। सेकेंड, द हर्मिट वॉज डिगिंग सोयल। अब यहाँ पे जो डिगिंग जो आया ये होगी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब आगे है, मीना वॉज टू कुक, टू कुक। और देखिए वांटेड टू कुक, वांट्स टू कुक, इज वांटिंग टू कुक, इट्स मीन ये जो टू कुक आया ये चेंज नहीं होगा, ये भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आगे देखो, स्विमिंग इज़ वेरी स्ट्रेनस। अब यहाँ पे देखिए जो स्विमिंग आया है ये भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, क्यों, क्योंकि एज अ नाउन काम कर रही है, तो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। आगे है, द पेंटेड हाउस लुक्स गुड, द पेंटेड हाउस लुक्स गुड। अब यहाँ पेंटेड हाउस लुक्स, अब ये चेंज होने वाली है, लुक्स भी आएगा, लुक भी आ सकता है, लुकिंग भी आ सकता है, तो ये चेंज हो सकती है, तो इसको करेंगे ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, आगे हम करेंगे इसमें, अब इसमें है इन्फिनिटिव। देखिए इन्फिनिटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता टू इन्फिनिटिव और एक होता बेयर इन्फिनिटिव। टू में तो कह रहे हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर में क्या करेंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, इन्फिनिटिव आर वर्ब फॉर्म लाइक टू रन, टू क्राई, टू सिट। अब इन्फिनिटिव यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म की तरह, जैसे
टू रन टू क्राई टू सिट. अब यहाँ पे अनलाइक वर्ब टेंस इन्फिनिटिव डू नॉट शो द एक्चुअल टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट्स. अब आगे देखिए एग्जांपल टॉम वांट्स टू प्ले क्रिकेट एवरी डे. अब यहाँ पे वांट्स टू प्ले. दे डू नॉट चेंज व्हेन द नंबर और द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. अब यहाँ पे अब वांट्स टू प्ले, यहाँ पे भी टू प्ले. तो यहाँ पर जो टू आया है ये हमारा टू इन्फिनिटिव है. जो यहाँ पे टू आया है ये हमारा टू इन्फिनिटिव है. और इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर दूसरा था बेयर इन्फिनिटिव, जिसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगनी है. ये है रोहन मेट मी रन फास्ट. अब देखिए रन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है तो ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है. ये हमारा बेयर इन्फिनिटिव है. तो जिसमें टू लगेगा वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो हमारा टू इन्फिनिटिव है. और जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वो हमारा बेयर इन्फिनिटिव है. तो ये हमारे इन्फिनिटिव हैं स्टूडेंट्स. अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात कही है, ये भी हम कर लेते हैं. इसमें क्या कहा है, एक्सप्रेशन लाइक वुड लव वुड हेट वुड प्रेफर आर यूजली फॉलोड बाय द टू इन्फिनिट. इनके पीछे टू इन्फिनिटिव लाइक जैसे वुड लव टू वुड लव हेट ऐसे. तो इन्फिनिटिव आर यूज टू शो द पर्पज ऑफ एन एक्शन. ये कई बार पर्पज को भी शो करता है. इन्फिनिटिव जो है पर्पज को भी शो करता है. जैसे वी केम हेयर टू स्टडी, तो यहाँ पे पर्पज हो गया. सी ब्रॉट रोज टू गिव हर मदर, पर्पज क्या था उसको टू गिव हर मदर. तो पर्पज के लिए भी हम टू का यूज करते हैं और टू इन्फिनिटिव आता है. अब इसमें देखो राइट अ कंप्लीट सेंटेंस कंटेनिंग एन इन्फिनिटिव विद और विदाउट टू. देखिए विद टू और विदाउट टू हम यूज करते हैं इसमें. अब देखो ध्यान से, जैसे द किंग वांटेड टू, द किंग वांटेड टू नो द क्वेश्चन. ठीक है, वांटेड टू नो द आंसर कर सकते हो. वैसे तो आंसर ढूंढ रहा था वो, वांटेड टू नो द आंसर. क्वेश्चन तो उसके अपने थे तो वो आंसर ढूंढना चाहता था, जानना चाहता था. ठीक है, आगे हम करेंगे द किंग एंड द हर्मिट ट्राई टू हेल्प द बियर्डेड मैन, हेल्प द बियर्डेड मैन. ठीक है, उसने जो बियर्डेड मैन की दोनों ने हेल्प की. आगे आएगा द बियर्डेड मैन हैड रिसॉल्व्ड टू किल द किंग. ठीक है, उसने रिसॉल्व कर लिया था, डिटर्मिनेशन कर लिया था कि मैंने राजा को मारना है. ठीक है, आगे फिर है वी मैनेज टू हेल्प हिम. कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू हेल्प मी ऐसे कर लो. डू नॉट फॉरगेट टू हेल्प मी, मतलब सेंटेंस बनना चाहिए हमारा. आगे सी इज प्रिपेयर टू कुक फॉर फैमिली या फॉर मी, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ए और बी पार्ट हम करेंगे जो हमारे नॉन फाइनाइट के थे, ये कंप्लीट हुए. बाकी जो सी ओ डी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.